ये सिर्फ 5 साल नहीं है कि कारपोरेटर साहब की, ये दसवां साल उनका। ये 10 साल के अंदर अभी जो आप देख लेकर आई ये हालत वाड़ की, बहुत सारे जो है कंप्लेंट्स कर हैं, लेकिन लापरवाह तवज्जो नहीं देना, ये जो है यहाँ का सिस्टम बन गया है। यहाँ के कारपोरेटर हो या रिलेटेड ऑफिसर्स, जो हमारे पैसों से जो इनो ये लोग धरमे खा लेकर हैं, जो टैक्स के पैसों से जो अपॉइंट होकर हैं, ये इंजीनियर्स जेई हो, एई हो, या जोनल हो, या हेल्थ ऑफिसर हो, कौन भी ये वार्ड की तरफ तवज्जा बिल्कुल नहीं दे रही। वजह क्या सर? सिर्फ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज रहती, तो इसके वास्ते यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जा रहा है। नहीं, जो है इलेक्टेड बॉडी के साथ साथ प्रशासन भी इसका जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है। हेल्थ के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा हो रही, तो वो कहां जा रही? बिल्कुल डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है। केवी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। मैसूर नगर निगम के वार्ड 34 में आज एसडीपीआई के ब्लॉक अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ वार्ड 34 का दौरा किया। वार्ड 34 में डॉक्टर टीएम एपाई और फारुखिया जैसी पाठशालाओं के पास सफाई को लेकर प्रशासन और कॉरपोरेटर के लापरवाही की झलक देखने को मिली। आइए देखते हैं केवी न्यूज की ये रिपोर्ट। जाती हमें यहाँ ये स्कूल के सामने जो ये मोहरी है, वहाँ बिल्कुल जो है उसके ऊपर जो दरीचे भी देखो भैया, भी जा सकते ढांसा भी जाती है, दूसरे को भी यहाँ भी तकलीफ ना हमारे एक फजीती नहीं तो और क्या होती है। कॉर्पोरेशन वाले नहीं आते क्या? आते नहीं ज्यादा, कब तो भी फोन करे तो आती से नहीं तो नहीं आते। तो यहाँ के कॉर्पोरेटर को आप बोले नहीं? बोले, कंप्लेन भी करे, पूछो यहाँ से ना पूछो, भेजती कराती कभी पता चाहिए नहीं। आई वो चाहे कब तक अभी भेजती और नहीं, हमें क्या बोलती बार में एक दो बार भेजो, ज्यादा ना कचरे को आती गाड़ी वाले नहीं कराते, नहीं करते मेरे यहाँ सेफ्टी करो। कभी क्या बोलना चाहती है? क्या बोलती है देखो जरा कराना, उन्हें कारपेंटर होकर नहीं करे तो क्या फायदा, वो टांग ये काना सलीस मालूम होता है कराने ना। आए तक जरा ये करती मेहरबानी कर जाती ना, ढंग से गलियां का क्या करे, ये कलेक्शन ना देखे तो रोज को भर जाती, यहाँ कराती करती का वो भी आई उनका भर जाता है, ऐसा जाता भैया पूरे अंगना में भूर को चले जाता है, ढंग से नहीं खोड़ को करे तो क्या फायदा, चार आदमियों को ले कुछ नहीं जीती उन कुछ नहीं करे तो हमें क्या फायदा है, गली वाले नहीं करते हमें वहाँ नहीं करते यहाँ नहीं करते तो क्या फायदा, वो कहती है मेहरबानी से जरा कराने बोलो जरा, तुम्हें भी यही ना गए बार इलेक्शन में कितने जने भैया, आयो पूजा में सब कंप्लेंट करी घर आंगने जाना क्या भैया, यहाँ चाहती ना शौकत भैया, यहाँ चाहती ना गए बार कलेक्शन का खुद तो कितने पता ले चमरू साहब, दो रोज आई है आ रही कने वोट को उठाने करे सो आता उन्होंने चाहते बधौरे ये ऑफिसर रहे थे ये वोट है ना आते रहते देखते रहते बोलने में भी उन्होंने कान पर लिए कितने की दिन दो रोज इलेक्शन है कने उठाई सो आज कर डाले तो ना कलेक्शन की मट्टी उठा आज 15 दिन देखो हम भाई भी हमारे नडन ना हमारे नडन ले लेके खान डाली वो ले लेके हम पुनः खींच लेके खान डाले भैया ना डालो ना को छोटे बच्चे ही तो ध्यान डाल को गए बारिश आने के वक्त भी ऐसा होता है क्या? जब तो अभी डेंजर है इनका पकाने के रूम में सब चला ये कितने महीने हुआ अपे कितने साल से ही है? अबे है यहाँ 20 साल से आपका नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन गर्ग है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं बीडी कॉलोनी के रहने वाले। कौन सा घर आपका? हमारा ये सामने का घर है जी, डोर नंबर 209 जी। यहाँ कंप्लेंट कब से खींच कर रही है, एक बार भी शोकत भी कैंडिडेट जीत को एक बार भी नहीं, 10 साल होगा 10 साल से एक बार भी आपको नहीं जी। मोरे अंतिम देख लियो जी जी, पूरा टूटे फूटे अब तक ये करको नहीं मोरी पूरा नो आई नहीं। आप कंप्लेंट करको ही क्या? मैं कंप्लेंट करको इनके पीए करको आजम भी को करको इनके, और वो मोरी पकड़ता ना उसका नाम क्या किया
उसे बोले उन्हें भी आने और मोरा कचरा यहाँ तक उठाते हैं, रोडाम पर छोड़ा चले आते हैं। सामने वहां सभी मोरी नहीं डाली है, अब तक आपको नहीं शोकत भी एक बार भी जितना सिस्टम आपको नहीं, पांच साल पूरे होले पे आ गए, उनके आरस भी आपको अब तक भी कौन भी देख कुछ नहीं, उनके आरस कौन का लोग बोले तो घरांग लगे तो क्या भी नहीं है, पांच साल पूरे होले को आ गए ना, साल हो गए अभी, अब तो अब तक भी कभी नहीं हुआ क्या? और अम्मा क्या कर रही, करंट क्या कर रही, बड़ी कोटर से लेंगे उठा को होइसा ना कर लेंगे, करंट आ ली करंट वांगा तो यहाँ चले आ रहा, तीन चार घरांग वो भी ऑब्जेक्शन कर कर को वो भी नहीं कर रहा है। और बोले तो ये शौकत भी जमता नहीं, बशीर भी जमता नहीं, ये अम्मा जमता सो उनको जमता सो करती है रोटी, तुम्हें तुमने तुम्हारे हिसाब से ये किसे जमता? ये वोट डलेंगे शौकत भी को ना, शौकत भी को जमना सुना, शौकत भी को ना जमना सुना, क्या बोलना चाहती है पे क्या बोलना? वो जमारा ये अपना क्लीननेस कर को देना, मुरी दाल को देना, हमें क्या दूसरों के पास पैसे पूछ रही, खाना पूछ रही, क्या भी तो नहीं पूछ रही, खाली मुरी के बारे में पूछ रही होता वहां दल इधर दाल को नहीं देखो तुम्हें चुको मुरी से भी देखे देखे ये भी कचरा उठाओ, एक महीने के ऊपर होगा ये, हमें उठाओ थैले में भर के उठाओ, हमें बंद से गाड़ा लेते हैं वो पकड़ो, इन टाइम भी हमें जोड़ी से मोरी के इनका सभी हमें जोड़ी से पानी की का पानी, बारिश का पानी से अंदर आ जाता है घरा में, क्या वास्ते वही सर, आज वार्ड नंबर 34 में यहाँ पे आप लोगों ने जो सर्वे किया है तो यहाँ की हालत जो है वो बहुत खराब है, अभी इस महीने में हो सकता है कि इनके पूरे पांच साल खत्म होने वाले हैं जो प्रेजेंट कॉर्पोरेटर हैं उनके, तो पांच साल पूरे होने के बाद भी जो है यहाँ की हालात सुधर करनी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? सलाम अलैकुम, जय भीम, जय SDPI। मैं ये ब्लॉक का प्रेसिडेंट, ये सिर्फ पांच साल नहीं है कि कारपोरेटर साहब के दसवां साल उनका, ये दस साल के अंदर अभी जो आप देख लेकर आई ये हालत वार्ड की, यहाँ का जो बेसिक फैसिलिटीज जो यहाँ की आवाम को पहुँचाना, ये पहुँचाने में यहाँ के कॉरपोरेटर बिल्कुल फेल्यूर है, तो यहाँ की जो आवाम को जो फैसिलिटीज जो स्कीम क्या चीज़ भी यहाँ पर पहुँच कर नहीं है, या पाकी साफी का भी यहाँ पर कोई ख्याल नहीं है, थोड़ा भी हाइजीनिक मेंटेनेंस यहाँ पर नहीं है, आप देख रही वहाँ वहाँ पर कचरे के गुड्डे, रोडाम पर पानी, ड्रेनेजेस सिस्टम नहीं है, ड्रेनेजेस टूटकर स्कूल के बच्चे जहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ रही वो बच्चे हिंसो जगह भी स्कूल की हालत ऐसी, रोड को झल्ली डालकर मेटलिंग कराकर जो है लगभग चार पाँच महीने हो रहा है, एक रोलर तक भी उसके ऊपर रोल कर को नहीं, ऐसी हालत में आपको रोडा यहाँ पर देखने को मिल रही। सर यहाँ पे जो दो स्कूल हमें दिखाई दिए, एक आके फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल और जो है एक टीएम ये कुछ स्कूल थी वहाँ पे, वहाँ पे जो है एक जो मोहरी है वो खुली हुई है, वहाँ पे जो है मच्छर जो है सीधा बच्चों के वो जो खिड़की है वो वहाँ पे जा रहे हैं, क्या उनके पेरेंट्स भी ये कंप्लेंट किए नहीं क्या सर अब तक? बहुत सारे जो है कंप्लेंट्स कर हैं, लेकिन लापरवाह तवज्जो नहीं देना ये जो है यहाँ का सिस्टम बन गया है, यहाँ के कारपेंटर हो या रिलेटेड ऑफिसर्स जो हमारे पैसों से जो इनो ये लोग धर्मे खा लेकर हैं, जो टैक्स के पैसों से जो अपॉइंट होकर हैं, ये इंजीनियर्स जेई हो एई हो या जोनल हो या हेल्थ ऑफिसर हो, कौन भी ये वार्ड की तरफ तवज्जा बिल्कुल नहीं दे रही। वजह क्या सर? सिर्फ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज रहती तो इसके वास्ते यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ये माइनॉरिटीज के हुकूक मारा जा रहा है, तो इसके वास्ते मेरी एक यहाँ की आवाम से और ये रिलेटेड हायर ऑफिसर्स कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर्स इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनो आकर देखे
और यहाँ के जेई यही जो है बिल्कुल लापरवाह होकर बैठी। 6 महीने होगा तो भी ये रोड जो है अभी तक बनकर नहीं है। वहाँ पर गिरकर कई बच्चे अभी सुनने को मिला, किसका की हाथ टूटा, किसका की पाँव टूटा। ये गरीब लोग किसे जाको इनकी दास्तान सुनाना। सो कहीं ना कहीं जो है इलेक्टेड बॉडी के साथ साथ प्रशासन भी इसका जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है। अरे हमें क्या, इलेक्टेड के ऊपर अगर प्रशासन डिपेंडेबल लोग को बैठा तो नहीं होता। जबकि इनका फेल्यूर है तो ये लोग धरने ले रही ना, लाखों के रुपए सरकार इनको धरने दे रही ना, क्या छुपके बैठेंगे इंजीनियर्स? तो आकर देखना ना, हेल्थ के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा हो रही तो वो कहां जा रही? बिल्कुल डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है। हेल्थ का इश्यूज अभी देखो, अब आई फ्लू आकर है, आई फ्लू अभी उसके ताल्लुक से जो है कोई भी जागृत नहीं है, कोई भी उसके वास्ते प्रिपरेशन नहीं है, क्लीननेस नहीं है, हेल्थ के रिलेटेड क्या भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं, क्या भी बिल्कुल यहाँ पर एकदम फेल्यूर है। सर पार्क का कैसा है सर मामला यहाँ पे? सर आप तो पार्क की, आपको मैं दिखाया कि पार्क की हालत कैसे ही, छोटे छोटे मासूम बच्चे और औरतें बूढ़े सब जाकर जो है वहाँ पर वॉकिंग करती सब करती, लेकिन जो पार्क का अतराफ का जो हिस्सा है वो सही नहीं है। जहाँ पर यूजीडी भरकर जो है बरसान से जाले कर है उसे देख कर वो रिपेयर करा कर नहीं, तो इतने लापरवाह लोग ही, तो ऐसे लापरवाह जो है इलेक्टेड लोगों को जो आवाम चुन रहे, ये मैं समझता हूँ ये आवाम जो है अभी जागृत होना, एक सही नुमाइंदों को चुनकर जो है ले ले कराना यहाँ पर 34 के अंदर ये बहुत ज़रूरत है। और इसके अलावा जो बेसिक सिर्फ कारपोरेटर घर को बोले तो मौर्या या नल्ला या इलेक्ट्रिक सिटी के वास्ते नहीं बनाया जाता, एक कारपोरेटर घर को बोले तो उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है उस वार्ड की जो है डेवलपमेंट करना है। वार्ड का डेवलपमेंट करना घर को बोले तो जो गवर्नमेंट के स्कीम्स आवाम तक पहुंचाना, ये बिल्कुल यहां पर पहुंचाकर नहीं। और दूसरा जो है एजुकेशन के ऊपर जो काम करना, कैरियर गाइडेंस करना, जो ये बच्चे ड्रॉप आउट होकर रहे तो उनको ले लेकर जाकर स्कूलों में जमाना, ये चीज में भी जो है यहाँ के कॉर्पोरेटर यहाँ की जो है बिल्कुल फेल्यूर होकर है। तो यहाँ के डेवलपमेंट के वास्ते, इस वार्ड के डेवलपमेंट के वास्ते आइंदा आने वाले चुनाव में जो है एक अच्छे कायद को, एक अच्छे जो है कॉर्पोरेटर को चुनकर लाए तो हमें यहाँ की डेवलपमेंट होचे। तो ये डेवलपमेंट के वास्ते जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पिछले कई सालों से जो है जमीनी सतह पर काम कर लेकर आ रही है कि यहाँ के डेवलपमेंट के वास्ते जो है हर रात दिन जो है ये कर काम करे। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हमारा एक बहुत बड़ा एम है कि एक मॉडल जो है 34 वार्ड को बनाना है। बल्कि ये अजीज शेख नगर एक कॉलोनी था, सो ये कॉलोनी जाकर जो है आज एक स्लम बन गया है, एक बहुत बड़ा स्लम का रूप लिया है। ना तो यहाँ के ड्रेनेजेस, ना तो यहाँ के रोड, ना तो यहाँ की व्यवस्था, ना तो यहाँ का क्लीननेस, क्या भी नहीं है, बिल्कुल पूरा फेल्यूर है। तो आइंदा हमारी जो है बाकायदा इसका एहतजाज होता है, जो इसकी ये क्लीन अगरचे ये फौरन काम नहीं हुआ, ये पैसे जो सैंक्शन हुई अगरचे उसका मुताबिक अगरचे काम नहीं हुआ तो ये 8-10 दिन के बाद जो है हमें एक बहुत बड़ा यहाँ पर एहतजाज कर दी और पूरी ताकत के साथ हमें जो है यहाँ एहतजाज कर ये जो इनका ट्रम होने से पहले इन्हों राजीनामा देना पड़ता है, एक ऐसा हमें एहतजाज कर दी। मैम ये तो जी जी ये हमारी क्या बोलिए हमें बदबख्ती या क्या है मुझे बोलने भी बेजार हो रहा है, ये अच्छा उन्हों तो नहीं आ रही तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो तो भी लोग जो है आकर देखना था, समझना था, अदमिया के हालात को देखना था, अदमिया प्रॉब्लम्स जाकर बोले तो उनके ऊपर लड़ने जाती, वो अदमिया बोलने भी क्या ही डर रही। तो इसके वास्ते जो है आप लोगों से आपके एक चैनल के, आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए से मैं बोलना चाहता हूँ, खुसूसन ये 34 की आवाम को, कि इस मरतबा के इलेक्शन में जो है हमें एक अच्छा, एक हमें जो 10 साल से जो कामा होकर नहीं, आइंदा आने वाले 5 साल के अंदर जो है कामा होना है, तो एक SDPI के एक कॉर्पोरेटर को जिताकर सामने लाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे कामा होंगे। देखो ये मेन रोड, ये माधेपुरा मेन रोड, ये मेन रोड में बारिश पड़ा तो पानी जाने जगह नहीं है,
हमारे दोस्त एक वीडियो बनाकर डालने के बाद जो है ये काम शुरू हुआ है। तो ये यहाँ पर पानी पास होने के वास्ते एक अच्छी ड्राइन नहीं है, तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप लोगों के चैनल के थ्रू से मैं यहाँ के कमिश्नर साहब को मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर तवज्जा देकर फौरन जो है एक्शन पर उतर कर काम करें, वरना हमें बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे और इसके ज़िम्मेदार यहाँ की जो है गवर्नमेंट, यहाँ की जो कॉरपोरेटर और यहाँ के जो इंजीनियर्स ऑफिसर्स हैं इनो चीज़ के ज़िम्मेदार रहते। इसमें हर एक चीज़ क्या बोले तो हमें 3-4 लोग से मिले औरतों से, उन लोग क्या बोले हमें जैसे ही हम वीडियो स्टेटमेंट देती उसके बाद आपको हमने तुमने दो जने कुछ प्रॉब्लम हो बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसमें जो दूसरे जो जानकारी रखने वाले हैं दानिश्वर लोग हैं, इल्म रखने वाले हैं, उलमा ही अमाई ऐसे बहुत सारे लोग अपने अपने वार्ड में आकर सामने खड़ कर जो प्रॉब्लम आई उसे हल करना है। यहाँ क्या बोल रहे बहुत सारे लोग डर नहीं बोलने के लिए, ये सियासत बोले तो खाली जो मालदार आई जो इनो शौकत भी इनोज पकड़ बैठे जैसा है। हमारे पास 5 साल के ऊपर मौका है, हमें बदलाना है। हमारे पास 5 साल के ऊपर हमें वोट डाल को किसे चाहे हमें चुन को क्या कर सकते हैं ला सकती है। पूरी अथॉरिटी हमारे पास होने के बावजूद भी हमें क्या करते हैं उनको उसने लगाते हैं और उनके बारे में बोलने के वास्ते पीछे हटते हैं। यहाँ पे बहुत सारे देखे स्कूल के पीछे घूसा के तर को घूसा खुद को भोरी में बहुत सारे तबियत का मसला, बहुत सारे लोग अपना दर्द जाहिर करना चाह रही, बहुत सारे लोग बोलना चाह रही, मगर उनको आगो आप सामान देखो तो मैं आप फोन जाको रहता उनको फिर आगो उन्होंने क्या करती उनको तुम्हें क्या माँ तर को दे रहे नहीं क्या तुमने बोल को नहीं क्या तेरे को ऐसा उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करते इस ऐसा ये इससे हल नहीं होता। हमें क्या करना है 5 साल में जो हमारे पर इलेक्शन आता है हमें भरपूर क्या करना है, हमें बदलाव लाएंगे। इनको जो ठेका ले लगो बैठी न हो इनको सब हमें जब जब उनको बराबर हमें वो सीट को से उतारेंगे तब हमें क्या होता है सियासत में बदलाव ला सकती। नहीं 15 साल 25 साल 20 साल ये इनो लोग पकड़ ले गए जागीरदार बैठे तरह का बैठ गई जिसकी वजह से हमें इतना बोलना पड़ रहा फील्ड उतरना पड़ रहा है लोगों डरना पड़ रहा। 5 साल को एक बार हमें बड़ी बराबर एक सोच के साथ एक इस्तेकामत के साथ सही एक लीडर को अगर नुमाइंदे को चुनेंगे तो हमें इंशाल्लाह पूरे मैसूर के अंदर नहीं पूरे सियासत के माहौल के अंदर एक बदलाव हमें ला सकती। यही बोलते हुए मैं तमाम जो 34 के वार्ड के बहुत सारे लोग आए यहाँ दानिश्वर लोग आई बहुत सारे उलमा हमारी दिन बहुत सारे लोग आए मगर यहाँ आकर बोलने के लिए तैयार नहीं। ये लोग बोलना है सामने आकर जो भी गलतियाँ हैं उसे हमें सामने रखेंगे तो वो क्या होगा पाक होगा वो सब पूरी तरह हमारा डेवलप होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम आई सोल्यूशन का हो गांजे का हो यानी अलग अलग चीज़ें ये सब चीज़ों को रोकना का तो हमें सब मुद्दे तक सामने आना है, हमें काम करना है, हमें जो गलतियाँ हैं उसे हमें सामने बोलना है। जब तक ये नहीं करेंगे हमें डेवलप नहीं कर सकते।